आज हम लोग हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया, बहुत ठंडी लग रही है हम लोग, इसीलिए चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। हम लोग बात करते हैं आज अनुच्छेद लेखन, ठीक है? और आपके पेपर में अनुच्छेद लेखन पूछा जाता है और आपको लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो ये अनुच्छेद लेखन कुछ इस प्रकार है, जैसे जैसे हम ख्याली पुलाव पकाते हैं। ख्याली पुलाव का मतलब कि जैसे आपको कुछ अपने फ्यूचरिस्टिक में कुछ करना होता है, सपना अपना देखा होगा, एम कुछ, तो उसमें कुछ आपने देखा है, तो जब आप खाली बैठते हो तो उसी के बारे में चल रखते हो, तुरंत आईएएस वाईएएस पीसीएस वीसीएस करके तुरंत कलेक्टर बन जाते हो 2 मिनट में। उसके बाद जब जब थोड़ा सा अभी प्रेजेंट में ही है, वही उसी सब चीजों को आपको बस लेख में लिखना है, ठीक है? इसी को बोलते हैं अनुच्छेद लेखन। अब अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए हमारे पास कुछ हिंट दिए रहते हैं, जैसे 2-3 शब्द 4 शब्द लिए रहते हैं, उन शब्दों का उपयोग करके आपको लेखन लिखना पड़ता है। अब एक और बात है कि लेखन के लिए आपका शब्दकोश होना बहुत आवश्यक है, ठीक है? कुछ भी लिखना है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है, वर्ड समझते हो ना, शब्द नहीं है, तो आप बहुत अच्छा लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे मेन सेंस है कि आपके पास शब्द होना आवश्यक है। और शब्द के लिए क्या जरूरी है? शब्द के लिए जरूरी है जब आप रीडिंग लगाते हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे आप मैगजीन पढ़ रहे हो, चाहे आप किताबें पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी इंग्लिश एसएसटी, इन सबसे शब्दकोश हमारा क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है? तो आज के जो टॉपिक है अनुच्छेद लेखन, वो क्या है? तो अनुच्छेद लेखन एक कला है, किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को निर्धारित शब्द सीमा में लिखने का बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कि ये बात है ना कि आपको जो टॉपिक दे देगा, मान लो कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक, और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको बोल दे खाली 100 से 120 शब्दों में लिखना है, तो कभी क्या होता है ना कि हम भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि आता इतना ज्यादा है, मन करता है कुल लिखते हैं, पर कुल नहीं लिखना होता है, लिखना इतना होता है कि जितना उसने कहा है। बहुत करोगे, अगर 100-120 बोला है तो बहुत करोगे तो 130-140 कर सकते हो, लेकिन जहां आप 200 करोगे ना, तो अब वो अनुच्छेद नहीं रह जाएगा, वो क्या रह जाएगा, क्या बन जाएगा? निबंध। क्या बन जाएगा? वो निबंध। और अनुच्छेद और निबंध में बस इतना ही फर्क है कि अनुच्छेद एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप का होता है, जैसे सारांश जिसको कहते हैं, समरी, ठीक है? और जो निबंध होता है पूरा फुल होता है, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ एकदम विस्तार रूप से बताया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निबंध बोलते हैं। निबंध आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था, हम लोग के टाइम जब थे ना, हम लोग अपने टाइम में, तो उस समय निबंध आता था एग्जाम, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि बच्चों का, जो नए नए यंग जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, उनका शब्दकोश कम होता जा रहा है। अब जब शब्दकोश कम होगा तो उतना बड़ा निबंध कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए करिकुलम में परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन के हिसाब से निबंध से किस पे आ गए हम लोग? अनुच्छेद पे आ गए। तो पहले 300-400 शब्दों में लिखना होता था, और आज के टाइम में केवल 100 से 120 शब्द, उतने तो लिख ही लेंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, बशर्ते आपको उस सब्जेक्ट, उस विषय से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखनी होती है। ऐसा करना होता है ना कि जब कोई पढ़े तो लगे कि एक कहानी चल रही है, कुछ इस टाइप, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें अनुच्छेद लिखने के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात है कि अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अथवा मुख्य विषय पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो देखो, अगर आपको जब निबंध बोलता है ना, तो अब जैसे मान लो गाय पर निबंध बोल दिया, तो गाय की सबसे मुख्य विशेषताएं क्या है कि गाय के 4 पैर होते हैं, और गाय फीमेल होती है, और उसके बाद वो दूध देती है, 2 कान होते हैं, मतलब ये सब हो गया। अब क्या होता है, कुछ लोग उसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कि निबंध 500 शब्दों में लिखना है, कैसे भरोगे? तो गाय रास्ते से जा रही होती है, तो साथ चारा खा रही होती है, और चारा नहीं मिलता है तो धीरे से बगली खत्म हो जाती है, उसमें से चारा खा लेती है, तभी उसके साथ आ जाता है, उसको मार के लगा भगा देता है, इस टाइप की चीजें लोग भरते थे, ठीक है? लेकिन अनुच्छेद में हमको ऐसा नहीं करना है, अनुच्छेद में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करना है एकदम। गाय के 4 पैर है तो भाई 4 पैर है, अब ये नहीं कि गाय के 4 पैर है तो 2 पैर पे डांस करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो रियलिटिक है, जो पॉइंट वाइज है, बस हमको उतना ही मेंशन करना है। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न पत्र में दिए गए संकेत बिंदुओं का ध्यान पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। जानते हो, जब भी आपको अनुच्छेद लिखने को बोलेगा ना, तो 4-5 को शब्द देगा,
और क्वेश्चन बोलेगा कि किस पे लिखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उन शब्दों का उपयोग अनुच्छेद के अंदर होना चाहिए, अगर नहीं उपयोग करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जो शब्द उपयोग हो जाए ना उसको अंडरलाइन कर देना, ताकि जब एग्जामिनर उसको उठाए अनुच्छेद को देखे तो देख ले कि वो जो शब्द दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो सारे के सारे क्या हुए हैं, आपने उपयोग किए हुए हैं। जब देख लेगा ना तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा और आराम से उसको आपको नंबर मिल सकता है, वो भी अच्छा। और सोचो अगर जब आप अंडरलाइन नहीं करोगे ना तो अब उसको वो निबंध क्या करना पड़ेगा, वो अनुच्छेद पूरा पढ़ना पड़ेगा, और जब वो पूरा पढ़ेगा थोड़ी भी गलती की पटक के मारेगा, नंबर नहीं देगा कॉपी को, समझ गए, नंबर फेंक के मारेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, अनुच्छेद लेखन में व्यर्थ की बातों का समावेश नहीं करना चाहिए। अभी मैंने बोला ना व्यर्थ की बातें नहीं जोड़नी है, उसमें मिर्च मसाला तन क्यों नहीं लगाना है, खाली पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, अनुच्छेद लेखन में विषय को इस प्रकार सूचित किया करना चाहिए कि उसकी शब्द सीमा 120 के आसपास हो, यानी 100 से 120 मैंने बोला ना, बहुत आप कर सकते हो, अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए तो 130 कर लो, 40 कर लो, लेकिन जहां तुम 200 ले गए तो समझ लो अब वो अनुच्छेद नहीं रहा है और वहां पे आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है, यानी कहने का मतलब कि जब अनुच्छेद कोई पढ़े, वो आप लिखना लिख दिए, जब वो अनुच्छेद पढ़े तो उसको पढ़ने के दौरान ऐसा उसको अनुभव हो कि जिस टॉपिक पे वो लिखा हुआ है उसकी फील निकल के अंदर से आए, रियलिस्टिक निकल के अंदर से आए, और वो चीज बिल्कुल समझ में सामने वाले के एकदम आ जाए कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है, समझा। नेक्स्ट है, वाक्य छोटे और आपस में जुड़े होने चाहिए, तो एक जो वाक्य लिखोगे आप लोग वो वाक्य बहुत लंबे मत लिखना, छोटे छोटे लिखना, छोटे छोटे का मतलब एक लाइन में हो जाए और एक वाक्य दूसरे वाक्य से आपस में क्या रहे, लिंक रहे, अटैच रहे, ताकि जैसे कि राम घर जाता है और उसके बाद राम सो गया, एक लिंक है, राम घर जाता है और सो गया, होगा कभी नहीं, राम घर जाता है फिर उसकी मम्मी बोलती है खाना खा लो और वो खाना खा के बिस्तर पे जाके सो जाता है, ये कंप्लीट तो लिंक होना चाहिए सारे शब्दों के बीच में, सारे वाक्यों के बीच में लिंक होना चाहिए, लिंक टूटा तो नंबर छोटा, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा सरल और सार्थक होनी चाहिए, भाषा सरल का मतलब आप सरल शब्दों का उपयोग कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है कि बहुत बहुत उच्च कोटि के शब्दों का उपयोग करना है, आपको जितना आ रहा है उतने शब्दों का प्रयोग करो, लेकिन लिखो इस प्रकार के सामने वाले को पूरा कंप्लीट क्या हो जाए, समझ में आया। चलो अब हम बता देते हैं कि नंबर कैसे मिलता है आपको, तो अनुच्छेद लेखन जब आप लिखोगे ना तो जो उसकी भूमिका होती है, जो मेन पात्र जिसको कहते हैं पात्र, जैसे हम लोग पढ़े थे ना मतलब कि सूरदास का पद पढ़े थे हम लोग, उसमें मेन पात्र कौन था, तो मेन पात्र थे उद्धव और गोपिया। ऐसे ही जब आप अनुच्छेद लिखोगे जो भी पात्र डाल रहे हो आप उसके इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा अनुच्छेद क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए, ये नहीं कि आप बात कर रहे हो किसी और को और चले गए फलाने को, फिर मामला गड़बड़ है। नेक्स्ट है विषय वस्तु, आपने कौन सा सब्जेक्ट चुना है, पात्र तो हो गए, अब उस पात्र के लिए कौन सा विषय चुन के रखी हो कि वो पात्र क्या करता है, वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई पात्र है जैसे मान चलो कि उद्धव है तो उद्धव क्या है, तो उद्धव कृष्ण के बड़े पापा के लड़के हैं और बहुत ही ज्ञानी है, एकदम क्लियर है, किसी को शंका है इसमें, नहीं है, इस टाइप की शंका नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है भाषा, भाषा पे एक नंबर मिलेगा, तो भूमिका पे दो नंबर, विषय वस्तु पे तीन नंबर और भाषा पे एक नंबर, टोटल कितना हो गया, छह नंबर, ठीक है, कितना हो गए, छह नंबर, और छह में से कम पांच तो लाने ही आपको, क्योंकि छह नंबर लिखना पड़ता है, ठीक है, और अगर छह नंबर में से पांच नंबर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको साफ सुथरा अच्छे शब्दों में उसका उपयोग करके वर्णन करके लिखना पड़ेगा। और अब वो मौके पे कैसे लिख पाओगे, जब आप घर पे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और उसी की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, एग्जाम तक डेली एक एक अनुच्छेद लिख के आना है, ठीक है, डेली एक एक अनुच्छेद, डेली एक आपका पत्र, और डेली एक लेटर, और डेली एक एनालिटिकल पैराग्राफ इंग्लिश में,
अच्छा ये भी मां रहता है, ये काम करिए ना सर, मार ही डालिए फिर। अरे तो ये इसको समाप्त करते हैं और आज का हम टॉपिक बता देते हैं।